बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं सबसे पहले श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, जिन्होंने विस्तार से इस सत्र में हमारे सामने जो आगे के अवसर हैं और चुनौतियाँ हैं जिससे हम मुखातिब होंगे, और आपके सार्थक प्रयासों से हम कुछ शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार कर पाएंगे और शैक्षणिक गुणवत्ता को बरकरार रख पाएंगे, इस बारे में आपको मुखातिब करवाया। अब हम बात करेंगे आपसे कि अगले जो सत्र जो हमारा प्रारंभ होने जा रहा है, उस सत्र में हम किस तरह से हमारी कार्य योजना बनाएंगे और शिक्षा की गुणवत्ता को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं अभी आप सभी लोगों को यह बताना चाहूँगी कि जो हमारा सत्र है वो अभी प्रारंभ हुआ है, और इस सत्र के साथ ही हमारे साथ कुछ अपेक्षाएं जुड़ी हुई है। अगर हम उनको अच्छी तरह से क्रियान्वित कर पाते हैं, उनके बारे में आप कुछ उसे गंभीरता से अगर लेंगे, तो निश्चय ही हम कुछ नवाचार और हमारी जो शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उनके माध्यम से हम अच्छी उपलब्धि अर्जित कर पाएंगे। अभी हमने वीसी की थी, जो हमारे अध्यापक थे अंग्रेजी और गणित विषय के, उनके साथ हम कुछ ही दिन पहले मुखातिब हुए थे। आज हम हिंदी और पर्यावरण के शिक्षकगणों के साथ में मुखातिब हो रहे हैं। तो हमारी इन वीसी का करने का प्रयोजन आप सभी को पता है कि अभी जो नया सत्र प्रारंभ हुआ है उसमें हमारे साथ में कुछ नवाचार हमने जो शिक्षा के क्षेत्र में किए हैं, अभी आपको एक या दो नवाचारों के बारे में बताया था, लेकिन उसमें से जो मुख्य नवाचार हैं, जैसे पीए पद का अभी सृजन हुआ है, एसआई क्यू जो आपको अभी आवासीय प्रशिक्षण में ठीक तरह से उसका प्रशिक्षण आप लोगों ने प्राप्त किया होगा, बड़ी हमें आशा है कि उस प्रशिक्षण को आपने गंभीरता से लेकर के और उसको फील्ड में उसकी क्रियान्वित के लिए आप बहुत प्रयासरत होंगे। दूसरा जो हमें आंगनबाड़ी समन्वय की जो बात करते हैं वो भी हमने अभी प्रारंभ किया है, और अभी जैसे कि सर ने बताया कि किलकारी, उमंग और तरंग जो किताबें ICDS डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है, उनको आप अच्छी तरह से उन बच्चों को मुखातिब कराते हैं उसे बताएंगे। तीसरा हमारा जो SMC का जो है रजिस्ट्रेशन वाला, तो वो भी अभी शुरू हुआ है हमारा, और हमारे जो दानदाता है भामाशाह है उनसे सहयोग के लिए जो हम अपेक्षाएं रखते हैं, तो अक्षय पेटी का भी हमने जो अभी नवाचार किया है, ये हमारी चार या पांच चुनौतियां हैं। इसमें जो आज हमारा वीसी जो आयोजित होने जा रही है वो SIQE को लेकर के है, और SIQE को आप किस तरह से अपने शिक्षा के साथ में जोड़ते हुए और गतिविधियों से बच्चों को अवगत कराते हुए उसे आयोजित करेंगे, इसके बारे में आपको हम बताना चाह रहे हैं। इसमें हमारे जो अन्य अधिकारी गण हैं आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना चाहिए कि बच्चों के सामने सबसे पहले क्या चुनौतियां हैं। आप जो सबसे पहले उसका प्लेसमेंट करते हैं उसके अंदर आप देखते हैं कि किस तरह से बच्चा उसमें अपना आउटपुट दे पाता है, उसके आधार पर आप उसका टेस्ट आयोजित करते हैं, उसमें किस तरह से आप ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुप के आधार पर जो कमजोर बच्चे हैं उसे आप किस तरह से उसका लर्निंग लेवल बढ़ाते हैं, ये इसका एक मुख्य उद्देश्य है। आप जानते हैं कि बच्चे होते हैं उसकी सीखने की विधाएं कई तरह की रहती है, उसमें जो हमने अभी ABL जो किट आपको दिया है उसके माध्यम से आप बच्चों को किस तरह से पढ़ा पाएंगे, लहर कक्ष है जो बनाया है उसके किस तरह से उसका उपयोग करके और बच्चों को उसका लर्निंग लेवल बढ़ाएंगे, ये सभी विधाएं आपको इस सत्र में आयोजित करनी है। दूसरा जो आपका मुख्य बिंदु है वो है कि आप जैसे कि योजना डायरी बनाते हैं, योजना डायरी के अंदर आप प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं करवा पाते, आप अपनी जो प्लानिंग है बच्चे के साथ में किस तरह से उसकी कमजोरियों को दूर करना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है, ये सारी उसमें मेंशन आप लोग करते हैं, लेकिन वो एक्टिविटीज और वो आप नहीं करवा पाते, तो इसको आप कृपया, मेरा आप लोगों से निवेदन है विशेष रूप से कि जो आप ये सारी चीजें जो आप सीखते हैं और आपने सीखा है उसको आप बच्चों के साथ अवश्य उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। दूसरा ये है कि आप जो नेस का जो अभी सर ने बताया था कि सितंबर माह में हमारा नेस होने जा रहा है, और उसमें तीसरी, पांचवी और आठवीं क्लास के जो बच्चे हैं उनका हम अचीवमेंट सर्वे जो होगा सैंपलिंग के आधार पर, उसके आधार पर हमारी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर हमारा रैंकिंग पैरामीटर तैयार होगा, और हम उसमें किस स्तर पर अपनी रैंक रख पाते हैं ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अगर आप लोग इसे गंभीरता से लेंगे, उन बच्चों का हम जानते हैं कि तीसरी क्लास का बच्चा है उसको एक किताब पढ़ना भी नहीं आता, जो हम निरीक्षण के दौरान
जाते हैं या चेक करते हैं। कुछ बच्चे तो उसमें कक्षा में अच्छा कर पाते हैं, कुछ बच्चे इतने कमजोर लेवल के होते हैं कि वो किताब पढ़ना नहीं आता, उसको अक्षर भी पढ़ना नहीं आता। उसके लिए आप अलग से जो इसमें SIQE है वो इसीलिए बनाया गया है कि बच्चों को किस तरह से खेल खेल में आप सिखाएंगे, उनको गतिविधियां आयोजित करवाएंगे। आप होमवर्क दे देते हैं, उसका चेक नहीं करते क्लासों में, आप उसको नियमित रूप से चेक करें, उनमें बच्चों के अंदर जो कमियां हैं उसको सुधारने का प्रयास करें। वैसे बहुत ही खुशी की बात है कि पहले से हम शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राजस्थान काफी आगे बढ़ रहा है। ये सभी आप लोगों के सार्थक प्रयासों का परिणाम है कि हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस विशेष सत्र में ये हमारी अपेक्षा है कि जो ये कार्यक्रम 2-3 सालों से चल रहा है उसे हम अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं और बच्चों के साथ में शैक्षणिक गुणवत्ता को हम एक नया रूप प्रदान करें, जिससे ये बच्चे अच्छी तरह से सीख पाए और हमारा जो रिजल्ट है वो पहले से अधिक बेहतर हो सके। अभी जो हमने देखा है कि जब तक बच्चा है उसका लर्निंग लेवल जब तक कमजोर रहता है, तब तक आप लोग भी उसको बार बार कि नहीं नहीं ये इसको तो पढ़ना ही नहीं आता, किताब पढ़ना नहीं आता, ये नहीं आता, ये कुछ सीख नहीं सकता, इस तरह की नेगेटिविटी के साथ में हम लोग काम करते हैं। हम बच्चों के साथ में पॉजिटिविटी के साथ में काम करें, उसकी सकारात्मकता के साथ में बच्चे का उत्साहवर्धन करें, उसका आत्मविश्वास बढ़ाएं। हम जानते हैं कि जब हम निरीक्षण में देखते हैं कि कुछ बच्चे हैं क्लास में हम खड़ा कर देते हैं, वो खड़े भी नहीं होते, डर के भय इतना बैठा हुआ होता है, लेकिन उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं। प्रेयर में भी आप लोग बच्चों को बताते हैं, उनको आगे खड़े करते हैं, लेकिन हम देखते हैं क्लास में कुछ बच्चे वास्तव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन जो पीछे वाले बच्चे होते हैं, बैक बेंचर होते हैं, उसको हम सिखाने का कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं। इसीलिए ये विधा लाई गई है कि आप जो वो कमजोर बच्चे हैं जो उप समूह में बैठे हुए हैं, उन बच्चों को आप आगे लाएं और उनके साथ में विभिन्न गतिविधियां आयोजित करते हुए उन्हें आगे बढ़ाएं। यह विश्वास है कि आप इस तरह से अगर इस काम को करेंगे तो निश्चय ही हम शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको आगे बढ़ा पाएंगे, हमारे राज्य को आगे बढ़ा पाएंगे, और हम इस विधा का प्रयोग करते हुए हम निश्चय ही बच्चों को खेल खेल में और बिना भार बने हुए, इसका उद्देश्य है कि भय के वातावरण को दूर करना, क्योंकि पढ़ाई में बच्चे को लगता है कि मैं सीख नहीं सकता, लेकिन जो TLM का प्रयोग किया जाता है, ABL किट का प्रयोग किया जाता है, लेयर कक्ष का प्रयोग किया जाता है, वो सारी चीजें बच्चे को लर्निंग लेवल बढ़ाने में निश्चय ही उपयोगी सिद्ध होती है। कई लोगों ने जो हमारे अध्यापक गण है उन्होंने इसे एक भार समझ लिया है कि ऐसा ही क्यों ही तो भार है, इसमें चेकबुक डायरी भरो और वो भी किसी दूसरे से भरवा लो। मैं ये अपेक्षा करती हूँ कि अगर आप इसी सोच के साथ में काम करेंगे तो निश्चय ही हमारा ये जो कार्यक्रम है उसमें कुछ कमियां रह जाएगी। आप इसे खुद सीखें, और मैंने ये देखा है कि अगर आप इसे खुद भरेंगे और खुद उसका पर्सपेक्टिव जानेंगे कि इसका पर्पज क्या है और किस तरह से चरण दर चरण इस विधा को हम काम में लेते हैं, क्योंकि हम फील्ड में जो जाते हैं तो देखते हैं कि उन्हें डायरी या चेकलिस्ट है वो देखते नहीं है, कभी दूसरे टीचर से भरवा लेते हैं, तो ये कंसेप्ट आप दिमाग में नहीं रखें। और आप प्रत्येक अध्यापक जो इससे बच्चों को पढ़ा रहा है, जुड़ा हुआ है, उसे ये सब चीजें आनी चाहिए। अगर वो इन चीजों को सीख लेगा तो वास्तव में उसे बड़ा आनंद आएगा और इस विधा को वो निश्चय रूप से वो फील्ड के अंदर और अपने बच्चों के साथ में इसे क्रियान्वयन कर सकेगा, क्योंकि जिन अध्यापकों ने इसे सीख लिया है वो अच्छी तरह बच्चों के साथ में इसे कर पा रहे हैं। हमारे पास में कई तरह के संदेश भी आते हैं कि ये कार्यक्रम उस विद्यालय में अच्छा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उन लोगों ने इसे सीखा है। और कुछ लोग जैसे हम प्रशिक्षण में भी जाते हैं कई बार तो सोचते हैं कि ये तो कई सालों से चल रहा है, कुछ नहीं है, ये तो कागज भरना है और ये करना है। नहीं, ये एक कार्रवाई मात्र नहीं है, औपचारिकता नहीं है, इसको आप क्रियान्वयन के रूप में लीजिए। और जब तक आप इसको सही तरह से आप किट और TLM सामग्री है और आपका जो बच्चे का असेसमेंट जो आप करते हैं टेस्ट के आधार पर, आपके 4 टेस्ट होते हैं, उसमें आप प्रथम टेस्ट होता है, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ जो होता है उसमें क्या करते हैं, आपने टेस्ट करवा लिया और उसका जो पोर्टफोलियो है उसमें लगा करके और आपने रख दिया, लेकिन आप उसमें सुधार का प्रयास नहीं करते। आप उस बच्चे के साथ में कमियां ढूंढिए कि वास्तव में इसे क्या नहीं आ रहा है, उसको करने का आप प्रयास करेंगे तो निश्चय ही वो बच्चा, उसकी कमजोरियां दूर होगी। और आप उसे बार बार इसको सिखाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों के आप जानते हैं कि तुरंत सीख जाता है और कुछ बच्चा देरी से सीखता है, लेकिन सीखने की प्रवृत्ति हर बच्चे में, अगर आप इस सकारात्मकता के साथ में काम करेंगे तो निश्चय ही आप लोग इसे आगे बढ़ा पाएंगे इस कार्यक्रम को, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम राजस्थान में एक अच्छी उपलब्धि अर्जित कर पाएंगे।
शैक्षिक जो नवाचार है उनको भी कर पाएंगे और गुणवत्ता को भी हम लागू कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो है गुणवत्ता। जिस भी विद्यालय का परिणाम अच्छा होता है आप जानते हैं कि नामांकन वृद्धि उसमें अपने आप हो जाती है। तो आप अगर उन बच्चों के साथ में जुड़ेंगे, आपके जो समुदाय ने जो आपके साथ में अपेक्षा है, लोगों की अपेक्षाएं हैं, उन लोगों ने नामांकन करवाया है आपके विद्यालय में, वो कुछ सोच समझ करके करवाया है, तो कुछ लोग तो इसे अच्छा कर पा रहे हैं, कुछ लोग कमियां हैं, लेकिन हम निश्चय हमें विश्वास है कि आप उन कमियों को सुधारने का प्रयास करेंगे और इस कार्यक्रम को आप निश्चय आगे बढ़ाएंगे। और सभी लोगों को इस नए सत्र की पुनः बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद।